जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से हैं और उम्मीद है कि हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में आपका शुक्रिया। आज हम लोगों ने वही जो मैंने आपको बताया कि बेसिक मोटिव तो ये है कि बच्चों को बिज़ी रखा जाए, तो आज हम लोगों ने एक पज़ल बनाया है मिलके, और ये उसकी एक पज़ल जो फाइनली रेडी है, ये उसका एक आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ कि भाई ये फाइनल रेडी है, और अब हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। अब ये एक पिक्चर है। अच्छा, स्पेशली आप ये देखें कि मैंने वो मैगज़ीन लिए हैं जिसके अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, ताकि बच्चे खेल खेल में इसके भी इसको इसको सीखें भी कोई चीज़, इस पर इसके भी इससे कोई चीज़ लर्न करें। ओके, अब ये बिल्कुल सिंपल मैगज़ीन का एक पेज ले लिया। ये हमारे पास एक पिज़्ज़े का वो है, पैक है, बॉक्स पैक। तो अब हम इसके ऊपर ये पेस्ट करेंगे बैलेंस करके, और फिर इसको ड्राई होने के बाद कट करेंगे। ये देखें, अब हम लोग इसको मीना एंड हुद भाई, आप इसके ऊपर ब्रश करके इसके ऊपर ग्लूइंग कर दें, इसको इसके बैक साइड को ग्लू कर दें। यस मीना, आप इस साइड पर करें। ये इसको हम लोग यस इसको मुकम्मल कंप्लीट ग्लू कर दें, ताकि इसको पेस्ट करने में आसानी हो जाए। ये अब ग्लूइंग हो रही है इसकी जी, और फिर हम इसको पेस्ट करते हैं जी। अब ये सारी इस पर ग्लोइंग हो गई है, अब हम इसको पेस्ट करेंगे एट पार। इसको हम लोग बहुत केयर से करना है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव वर्क है इसके अंदर, वो इस सेंस में कि कहीं इसमें कोई एयर बबल ना आ जाए। ये आपने केयर करा, कोई खुद भी गिव मी टिश्यू प्लीज़। ये टिश्यू पेपर के साथ शीत भी इसको पकड़े, इसमें से एयर या पर हैंड रखें कि एयर बबल इसके अंदर कोई ना आ जाए। इसके वो बिल्कुल केयर के साथ एयर रिमूव करनी है, ताकि पेस्टिंग जो बिल्कुल बैलेंस पेस्टिंग हो इसकी, कहीं पर एयर ना आए। ये देखिए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से अब ये पेस्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ रहे हैं। ओके, अब ये ड्राई हो गया है, अब हम लोग इसको कट कर रहे हैं। जो पेस्ट हुआ हुआ है पेज, बिल्कुल उसके हिसाब से ध्यान से इसकी कटिंग कर लें। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लॉन्ग इनकी हो गई हैं छुट्टियां, समर वेकेशन ऐड करनी है, तो ये बिज़ी रहते हैं, इससे बहुत अच्छी गेम बनेगी, पज़ल है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने जानबूझ के ऐसा वो पेज लिए हैं, मैगज़ीन लिया है, जिस पर इंफॉर्मेटिव उनकी इन्फो है, इंफॉर्मेशन इसके अंदर काफ़ी अवेलेबल है, तो बच्चे साथ साथ इसको खेलेंगे भी, और जब ये इसका कंप्लीट होगी ड्राइंग, तो उसके ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी उनको याद में रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ रहेगी जो बच्चों के लिए बनेगी। हाँ जी, अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया, और उसको उसको एजेस के हिसाब से हमने काट लिया, तो एक हार्ड फॉर्म में ये शीट अवेलेबल है। अब हम इसको इस शीट को, ये देखें बिल्कुल बैलेंस बॉर्डर्स हैं इसके, और ये बड़ी अच्छी मज़बूत शीट बन गई है, हार्ड शीट। अब हमने इसको बैक साइड से, इस पर हम लोग थोड़ा सा पज़ल टाइप कटिंग ड्रा करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक एरिया बनाया, डिफरेंट शेप्स के आपने बनाने हैं, ताकि ये पज़ल बन जाएं जब हम इसको फाइनली काटें। ये देखें बिल्कुल डिफरेंट इनकी शेप्स बन रही हैं। इसके हमने पीछे जैसे मैंने बताया था कि पज़ल के हिसाब से इसकी वो शेप बना लें, तो ये पज़ल्स के हिसाब से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम लोग उसी पज़ल के ड्रॉ के हिसाब से हम इसको काटेंगे। Time to that.
हाँ जी, अब ये इसके पीस देखिए, ये कट कट के हम लोग इसके पीस सब ला रहे हैं पजल के, और फिर जब ये सारे पीसेस कट हो जाएंगे तो फिर हम आपको एक इसका एक फाइनल बॉर्डर बना के, और फिर बच्चों को इस पज़ल में इन्वॉल्व करेंगे और आपके सामने फिर बताएंगे कि बच्चे कैसे इसमें प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और इसको इन्जॉय करते हैं। ये दिन ऐसे हैं कि आप इसमें लॉकडाउन हो या बाहर नहीं जा सकते, ना बच्चे कहीं जा सकते हैं, स्कूल्स की उन्होंने वैसे ही हॉलीडे कर दी है, तो बच्चों को आपने ज़रूर बिजी रखना है, नहीं तो ये एग्रेशन जो है वो और डेंजरस पोजीशन में चले जाते हैं बच्चे, और स्टडी साथ साथ रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमने पेज ही ऐसे लिए हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं, और उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बी काइंड एवरी काइंड, तो इस तरह की उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जिससे जो बच्चे साथ साथ जब ये कंप्लीट होगा पज़ल तो वो साथ साथ पढ़ेंगे भी और उसको लर्न भी करेंगे। तो कोई डार्क ओके जी, रहता अब सारे ये पेज कंप्लीट हो गए। हाँ जी, अब ये पज़ल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको वैसे बताऊं कि इस सारी एक्टिविटी में पहले हमने बॉक्स ढूंढा, उसकी कटिंग की, उसके बाद ये पे हमने ये पेज ढूंढे, स्लाइड ढूंढी, ये हमें एक मैगज़ीन लिया, उस मैगज़ीन में से हमें ये सारे बच्चों के स्टडी से रिलेटेड मैगज़ीन आता था, उस मैगज़ीन से हमने ये पेज निकाला, उसको पेस्ट किया, फिर उसकी डिज़ाइनिंग की पज़ल के स्टाइल में, उसको काटा। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी 2 से 2.5 घंटे इस एक्टिविटी में लगे। तो स्टडी के साथ साथ बच्चों की ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी इन एक्टिविटीज़ को देखें, समझें। अब ये देखें, ये बच्चे इसको बनाने बैठे हैं, और ये इसमें एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसके जितने कट कर दिए, ये तकरीबन 20 पीस है। अब जितने मैक्सिमम पीस होते जाएंगे उतना ये पज़ल एज के हिसाब से डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि वो भी, उनके पास भी ऐसे पज़ल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन पज़ल्स के ये पीसेस की क्वांटिटी थोड़ी होती है, 4 या 5 नंबर्स पर होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी आप इन पज़ल्स की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं। तो सेम हमने भी यही किया है, और अब ये कंप्लीट होने के प्रोसेस में है, बच्चे इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तो हम लोग आपको वन टाइम बनाना बना के दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इनको हम लोग टाइम बार कर देंगे कि टाइम के साथ ये लोग अपने पज़ल को कंप्लीट करेंगे। टारगेटेड टाइम होंगे इनके कि इस इतने टाइम में कौन पहले कंप्लीट करता है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग कोई विनिंग स्टाइल, विनिंग कोई फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के साथ कोई गिफ्ट, तो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और बच्चे इसे इंजॉय करेंगे। तो ये बिल्कुल अब ये कंप्लीट होने के प्रोसेस पर है। यस शीज़ भाई, फाइनल इसको पीस देखें, फाइनल पीस जैसे ऐसे शेप पेपर होगा, अब इसको सेट कर लें। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा ये जो हमने पज़ल बनाया था वो इस फॉर्मेट में बना, और इस तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हमने पहले आपको दिखाया था कि हमने जो पहले बना के रखा हुआ है, उसमें हमने एक बॉर्डर भी बनाया हुआ है, ये देखें, ये इसमें हमने एक बॉर्डर भी बना लिया है, बॉक्स का बॉर्डर है, तो उसमें जब हम लोग ये रखते हैं उस बॉर्डर में, तो ये बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा पज़ल है ये वाला भी, और ये सेकंड जो अभी हमने आपको बना के दिखाया, तो इससे बच्चे अपना माइंड यूज़ करेंगे, खेलेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर मैंने वही आपको बताया कि मैं इनके साथ टाइम सिलेक्शन रखूँगा कि आपने कौन मिनिमम टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करता है, फिर इस इनके इन मैगज़ीन पेजेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, या जो बच्चों की लर्निंग का प्रोसेस के थिंग्स उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, वो बच्चों को याद करा के वो उनसे डिस्कस करूँगा। तो यही किया जा सकता है इन टाइम में कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो उस हिसाब से हमने अपने घर के अंदर ही इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी एक्टिविटी है, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको सीखें, देखें और करें अपने बच्चों के साथ मिल के, ताकि जो हम कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग कर रहे हैं उसके अंदर जो एक्टिविटी है उसमें सारे लोग शामिल रहें। और सेकंड, अब आपको फिर वही रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं हमेशा कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है ये हमारा वर्क, या हम लोग जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें।
और आपका शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।